सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं पर एक ही दर से कर लगाने को प्रधानमंत्री ने किया खारिज। कहा, दूध और मर्सिडीज पर नहीं लग सकता समान टैक्स। जून में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 95,610 करोड़ रुपए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संरक्षणवादी शक्तियों को लेकर किया आगाह। कहा, सामूहिक विकास के वैश्विक प्रयासों पर पड़ सकता है प्रतिकूल प्रभाव। भारतीय मिशनों के प्रमुखों को बदलती विश्व व्यवस्था में राष्ट्रहित के बचाव की सलाह। लोकसभा में अब सदस्य एक दिन में अधिकतम पूछ सकेंगे 5 सवाल। लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद हर दिन 10 प्रश्न के नियम में किया गया बदलाव। आगामी मॉनसून सत्र से लागू होगा नया नियम। अफगानिस्तान के जलालाबाद हमले में सिख नेता समेत 20 लोगों की मौत। आतंकी संगठन आईएस ने ली जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कड़ी निंदा। कहा, दुख की घड़ी में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है भारत। और फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में मेजबान रूस ने स्पेन को दी मात। पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। क्रोएशिया ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में दी शिकस्त। क्वार्टर फाइनल में रूस से होगा मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी व्यवस्था में टैक्स की एक दर लागू करने से इनकार किया है। स्वराज पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मर्सिडीज कार और दूध पर कर की एक दर नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाने पीने की चीजों पर 18% की दर से टैक्स लगाने पर खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के 1 साल के भीतर अप्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या में 70% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से कर ढांचा सरल हुआ है और इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है। जीएसटी का 1 साल पूरा होने पर कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए लोगों को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि जीएसटी से कारोबार करना आसान हुआ है और उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शी कर व्यवस्था शुरू हुई है और यह सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जीएसटी से व्यापार में सहूलियतें बढ़ी हैं। उन्होंने रविवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI के प्लैटिनम जुबली समारोह का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि साल 2025 तक अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। उपराष्ट्रपति ने निष्पक्ष कर प्रणाली पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर लोगों का भरोसा कायम रखने की जिम्मेदारी भी है। सच अ सिस्टम विल प्रायोरिटाइज ऑनेस्टी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गो इन टू द डिटेल्स ऑफ जीएसटी रिजीम, वी फाइंड दैट इट हैज हेल्प्ड अस अचीव मेनी गोल्स। इट हैज एनहेंस्ड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय क्रिएटिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन, ड्यूटी पेमेंट्स, filing of returns and refund of taxes. It has improved export competitiveness. It has reduced prices of many categories of goods and services and benefited consumers and end users. It has simplified procedures for small and medium entrepreneurs. GST has also enhanced reliance on technology and reduced scope for subjectivity. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी में टैक्स कलेक्शन बढ़ने के साथ ही दरों को और तर्कसंगत बनाया जाएगा। जीएसटी के 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कल ये बात कही। वहीं वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी से टैक्स की दरें कम हुई हैं और पारदर्शी व्यवस्था शुरू हुई है। देश भर में रविवार को जीएसटी दिवस मनाया गया। राजधानी दिल्ली में आयोजित जीएसटी दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने कहा कि जीएसटी जैसे बड़े सुधारों को लागू करने से अर्थव्यवस्था में बाधा आती है, लेकिन शुरुआती बाधाओं को छोड़कर भारत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला।
अरुण जेटली ने कहा कि जैसे जैसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी को सरल बनाने की दिशा में काम करेगी। As the tax collection goes up, the capacity to rationalize the slabs, the capacity to rationalize the rates also will certainly increase. And therefore, that capacity to rationalize will increase once the total volume of tax collected significantly increases. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि युवा वर्ग ने जीएसटी को हाथों हाथ लिया है। उन्होंने जीएसटी के अंदर एक रेट की विपक्ष की मांग को खारिज किया और कहा कि अमीरों और गरीबों के उपयोग की चीजों पर एक समान टैक्स नहीं लगाया जा सकता। वित्त मंत्री ने कंपोजिट डीलर के लिए हर 3 महीने की जगह साल में एक बार रिटर्न भरने की सहूलियत देने का सुझाव रखा। 20 लाख से 1 करोड़ तक कंपोजिशन स्कीम में मात्र 1% टैक्स लगता, उसको बढ़ा के अब 1.5 करोड़ करने का निर्णय ले लिए। इस सेशन में वो कानून भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो 1.5 करोड़ रुपए तक मात्र 1% टैक्स लगेगा। सरलता होगी, 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना है इनको। मेरे तो मानना है क्यों 3 महीने में भी, हम इसको एनुअल टैक्स एनुअल रिटर्न कर सकते हैं। आज सचमुच लोगों में यह सरल कानून बन चुका है, ये सबकी स्वीकारोक्ति हो गई है और छोटा से छोटा व्यापारी भी यह जब कहने में हिचकता नहीं है इस दृष्टि से कि अब जीएसटी हमको पूरी तौर पर समझ में आ गई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिल नहीं देने वाले व्यापारियों की शिकायत के लिए जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। आजादी के बाद देश के सबसे बड़े कर सुधार को पिछले साल 1 जुलाई से लागू किया गया था। इसके साथ ही देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह से बदल गया। जीएसटी से जुड़े सभी फैसले जीएसटी परिषद करती है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। परिषद के सभी फैसले आम सहमति से होते हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। वहीं केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि जून में जीएसटी संग्रह 95,610 करोड़ रुपए रहा, जो मई में 94,016 करोड़ रुपए था। वित्त सचिव ने कहा कि जीएसटी को साकार बनाने में केंद्र और राज्य के अप्रत्यक्ष कर से जुड़े अधिकारियों ने खूब मेहनत की। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी दिन रात जीएसटी को सरल बनाने पर माथापच्ची करते रहे। कि जितना काम हमारे सीबीआईसी के ऑफिसर्स और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने रात दिन मिलकर किया है, यू कांट इमेजिन कि अगर 27 मीटिंग जीएसटी काउंसिल की होनी है तो उसके पीछे एजेंडा बनाने में कितने दिन लगे होंगे हमको। एंड इन फैक्ट दे हैव डन ए वंडरफुल वर्क एंड दिस इज अनदर एग्जांपल कि व्हेन देयर इज अ क्लियर डायरेक्शन कमिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप, इवन द ऑफिशियल्स कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। जीएसटी के 1 साल पूरा होने के मौके पर हुए कार्यक्रम में उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि और कारोबारी भी मौजूद थे। इन्होंने भी जीएसटी को लेकर अपने अनुभव साझा किए। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया प्रोबेबली दिस वाज द बिग बैंग, द वन बिग बैंग रिफॉर्म व्हिच वी लुक्ड एट, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर। इनिशियल हर्डल्स ऑफ विल ऑलवेज बी देयर व्हेन वी सी अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस काइंड ऑफ अ रिफॉर्म व्हिच कम्स, बट मोर इंपॉर्टेंटली एज आई मेंशनड अर्लियर द हर्डल्स एंड द रोड ब्लॉक्स वर रिमूव्ड वेरी वेरी इन अ वेरी फास्ट मैनर। On a long-term basis, GST is also will bring inflation down. It will not only increase efficiency, it will not only increase government tax income, but also will bring inflation down in this country, which, as we all know, is also a very important item. And as we get the petroleum products in this, we think it will have a significant impact on inflation. After implementation of GST, there were lots of initial difficulties faced by taxpayers. SHM has worked as a bridge between industry and government to highlight such issues and bring it to the right platform. Within a short span of time, the government has analyzed the situation and made very genuine efforts to resolve those difficulties. A big success of GST, which I find, is on inflation. There has been no inflationary effect because of GST. The GST is now been accepted at the ground level. It has really facilitated the MSMEs. They are away from 17 taxes and 23 cesses. It has made ease of doing business for them.
वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जीएसटी से आम लोगों पर कर का बोझ बढ़ा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कल कहा कि जीएसटी का ढांचा और इसमें लागू दरों में कई खामियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं में जीएसटी की नकारात्मक छवि बन गई है। चिदम्बरम ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी पर अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात तक नहीं मानी। The design, structure, infrastructure backbone, rate or rates, and implementation of GST was so flawed that GST has become a bad word among business persons, traders, exporters, and common citizens. The only section that appears to be happy about the GST is the tax administration that has acquired extraordinary powers that frighten the average business person and the common citizen. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय राजनयिकों से भारतीय हितों के लिए सजग रहने पर जोर दिया है। हेड्स ऑफ मिशन यानी भारतीय राजनयिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कल उन्होंने ये बात कही। उन्होंने संरक्षणवादी शक्तियों को लेकर आगाह किया कि इससे सामूहिक विकास के वैश्विक प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय राजनयिकों से दुनिया भर में राष्ट्रहित की रक्षा करने पर जोर दिया। विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों के साथ रविवार शाम हुई बैठक में उन्होंने कहा कि बीते सालों में भारत ने विदेशों में मजबूत पहचान दर्ज की है। हालांकि उपराष्ट्रपति ने विश्व में फैल रही अशांति से आगाह करते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ कड़े कदमों के लिए विश्व को लामबंद करना होगा। Situation, there are clear signs of turbulence in the present world order. As the representative of the India in various capitals of the world, you should be alert, agile, and quick in grasping the causes and consequences of such disturbances. Friends, we should advocate strong action against terrorism. उपराष्ट्रपति ने संरक्षणवादी शक्तियों को लेकर भी आगाह किया। Despite acknowledging the need for a integrated world order, new walls are being erected to the free flow of goods and services and the people as well. Please underline what I am saying. This return of protectionism has the potential to adversely impact the global effort for collective advancement. उपराष्ट्रपति ने जीएसटी जैसी पहलों की सराहना करते हुए कहा कि राजदूतों को भारत में निवेश के लिए अन्य देशों को प्रोत्साहित करना चाहिए। Heads of missions must focus on taking advantage of this momentum by capitalizing opportunities in areas of trade, services, investments and infrastructure. You must be proactive in enabling Indian industries and business to tap into world markets. You must encourage foreign investments to flow into India. उपराष्ट्रपति ने भारत के बारे में बनी गलत धारणाओं को खारिज कर सही तस्वीर पेश करने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारतीय राजदूतों की कड़ी मेहनत का नतीजा है जिससे भारत की छवि वैश्विक पटल पर और बेहतर हुई है। उन्होंने उपराष्ट्रपति का आभार जताते हुए कहा कि हाल ही में उपराष्ट्रपति की विदेश यात्राओं से उन देशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। एम्बेसडर से मैंने ईद मिलन किया था, सभी एचएम्स को बुलाया था, तो उन तीनों के एम्बेसडर्स आए थे जहां आप होकर आए थे। मतलब आपके व्यक्तित्व के कारण जो भारत की प्रतिष्ठा वहां बढ़ी, उसका वो जिक्र कर रहे थे, उसका वो उल्लेख कर रहे थे कि उनके लोग कितने ज्यादा खुश हैं। दुनिया भर में मौजूद भारतीय राजदूत हेड्स ऑफ मिशन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। नौ विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने ऊपरी सदन में उपसभापति के तौर पर पीजे कुरियन के कार्यकाल की सराहना की है। उपराष्ट्रपति आवास पर कल पीजे कुरियन के लिए विदाई समारोह रखा गया था। इस मौके पर पूर्व उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन में बढ़ते गतिरोध पर चिंता जताई। राज्यसभा के उपसभापति रहे पीजे कुरियन का रविवार शाम विदाई समारोह हुआ। उपराष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पक्ष विपक्ष के सांसद और राज्यसभा के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति के तौर पर पीजे कुरियन के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि सदन में हमेशा उनकी कमी खलेगी। towards his commitment in ensuring effective functioning of the house. That was the most important thing that have attracted me. He conducted the proceedings with passion and energy, always urging members to build consensus for effective parliamentary functioning. I hope in the coming days
the ruling and opposition parties would find a suitable replacement for Sri Kurian. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रोफेसर कुरियन ने परिपक्वता से कई बार सदन में अवरोध को संभाला और सदस्यों को नियमों की जानकारी दी। इस मौके पर पीजे कुरियन ने सभापति समेत राज्यसभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि सदन में अवरोध सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। Over the last few years, disruption was more, unfortunately, because of various reasons. I don't want to blame either side for that. It so happened. But I have always felt that, see, Parliament is for debate, discussion and decision. And disruption or attack, yes, sometimes it may be needed. But it should not go beyond a point. पीजे कुरियन केरल से ताल्लुक रखते हैं। 1980 में पहली बार लोकसभा सांसद बने पीजे कुरियन केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। लोकसभा सांसद अब एक दिन में अधिकतम 5 सवाल ही पूछ सकेंगे। अभी तक एक दिन में 10 सवाल पूछे जा सकते थे। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश के तहत एक दिन में 10 से अधिक प्रश्नों के लिए नोटिस नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक दिन में नोटिसों की संख्या 230 से अधिक होने को ध्यान में रखते हुए लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी से इसमें बदलाव किया गया है। लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। अगर कोई सांसद एक दिन में 5 से अधिक प्रश्नों के लिए नोटिस देता है, तब 5 सवालों के अलावा बाकी बचे प्रश्नों को अगले दिन के लिए रखा जाएगा। पूरे सत्र के लिए प्रश्नों के संबंध में नोटिस देने को लेकर सांसदों को अपनी पसंद बतानी होगी। ये नियम आगामी मानसून सत्र यानी 16वीं लोकसभा के 15वें सत्र से लागू कर दिया जाएगा। पिछले महीने बनाए गए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की पहली बैठक आज दिल्ली में होगी। हालांकि कर्नाटक में प्राधिकरण के गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है, लेकिन राज्य के प्रतिनिधि आज की बैठक में हिस्सा लेंगे और बैठक में राज्य की आपत्तियों और अपना पक्ष रखेंगे। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष एस मसूद हुसैन प्राधिकरण की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के एजेंडे में राज्यों के तत्काल ध्यान देने वाले मुद्दों के साथ ही कावेरी जल रेगुलेशन कमेटी और प्राधिकरण की तकनीकी शाखा के बारे में विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच कावेरी नदी के जल विवाद सुलझाने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का हाल ही में गठन किया था। शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में आम सहमति से प्राधिकरण के गठन के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया गया था। राज्य की दलील है कि केंद्र सरकार उनकी आपत्तियों को समाधान किए बिना दोनों निकायों का गठन कर दिया गया है। भारत के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को जल्द ही सेना में शामिल किया जाएगा। पूरे चीन तक मार करने वाले इस मिसाइल की रेंज में बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझाओ और हांगकांग जैसे शहर शामिल हैं। इससे देश की सैन्य ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। पीटीआई के मुताबिक 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। उत्तराखंड में रविवार को एक बड़े बस हादसे में 48 यात्रियों की मौत हो गई और 10 घायल हुए हैं। पौड़ी जिले में निजी बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। यह हादसा जिले के धूमाकोट के पास हुआ। बस रामनगर जा रही थी। पुलिस अधीक्षक जगत राम जोशी के मुताबिक दुर्घटना की वजह का पता लगाने के लिए जाँच जारी है। शुरुआती जाँच में सामने आया है कि बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। 2020 तक जो ब्लैक होल्स हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं या हमें के एक्सीडेंट प्रोन एरिया जितने भी हैं, हमने 2020 तक उन सबको ठीक करने का निर्णय लिया है। उस पर कार्रवाई चल रही है। जो एहतियात जो बरतना चाहिए वो बरता जा रहा है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची कल एक दूसरे को सौंपी है। पाकिस्तान की ओर से दी गई जानकारी में पाकिस्तान की जेल में 53 असैन्य भारतीय नागरिक और 418 मछुआरे बंद हैं।
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से उन 9 भारतीय नागरिकों और 229 मछुआरों को जल्द रिहा करने की मांग की है जो सजा पूरी कर चुके हैं और उनकी नागरिकता की पुष्टि हो चुकी है। भारत ने भी पाकिस्तान को 249 असैन्य कैदियों और 108 मछुआरों की सूची सौंपी है जो भारत की जेलों में बंद हैं। ये सूचियां मई 2008 में हुए राजनयिक पहुंच से संबंधित द्विपक्षीय समझौते के तहत साझा की गई हैं। कैदियों की सूची साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को साझा की जाती है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में रविवार को एक आत्मघाती हमले में करीब 20 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। मारे गए 20 लोगों में से ज्यादातर सिख समुदाय के थे। इस हमले में स्थानीय सिख नेता अवतार सिंह खालसा की भी मौत हो गई है। अवतार सिंह खालसा अक्टूबर में होने वाले संसदीय चुनाव भी लड़ने वाले थे। आतंकी संगठन आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारत ने अफगानिस्तान में हुए इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि ये हमला अफगानिस्तान की बहुसांस्कृतिक संरचना पर हमला है। उन्होंने कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में अफगानिस्तान के साथ है और हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास ने भी इस कायराना हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट करके बताया कि वो आज दिल्ली में इस आतंकी हमले के पीड़ितों के रिश्तेदारों से मुलाकात करने वाली हैं। और अब बात फीफा विश्व कप फुटबॉल की। फीफा विश्व कप 2018 में कल 2 नॉकआउट मुकाबले हुए। स्पेन और डेनमार्क की टीम विश्व कप से बाहर हो गई है। मेजबान रूस ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से मात दी और इसी के साथ रूस ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रूस और स्पेन के बीच मुकाबला समय में 1-1 से बराबर हो गया था और इसके बाद दोनों टीमों को 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला, लेकिन इसमें भी दोनों टीमें एक दूसरे पर गोल करने में नाकाम रहीं। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ जिसमें मेजबान टीम ने 4-3 से मैच अपने नाम किया। वहीं दूसरे मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में गोलकीपर डेनिजेल सुबासिक के शानदार प्रदर्शन के दम पर क्रोएशिया ने डेनमार्क को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मुकाबले में निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 रहा और समय में गोल ना होने की वजह से मैच पेनल्टी शूटआउट में गया जहां क्रोएशिया के 3 खिलाड़ियों ने गोल दागे। डेनमार्क के लिए केवल 2 खिलाड़ी ही गोल करने में कामयाब हो पाए। बात आज के मुकाबलों की। फीफा विश्व कप में नॉकआउट के अगले मुकाबले खेले जाएंगे और पहला नॉकआउट मुकाबला ब्राजील और मेक्सिको के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा नॉकआउट मुकाबला बेल्जियम और जापान के बीच रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। खास मेहमान विजय लोकपल्ली, वरिष्ठ खेल पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहा जाए कि कल का दिन फुटबॉल प्रेमियों के लिए रोमांच से भरा सुपर संडे रहा तो गलत होगा क्या विजय जी, क्योंकि दोनों ही मैचों का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ और आखिरी तक लोगों की धड़कनें बढ़ी रहीं। हाँ, जैसे पहला राउंड जो पहले मैचेस हुए राउंड ऑफ 16 के, उसमें अगर आपने देखा होगा पेनल्टी की जरूरत नहीं पड़ी पेनल्टी शूटआउट, लेकिन यहाँ पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गोलकीपर्स के ऊपर थी क्योंकि दोनों चारों टीमें जो थी वो डिफेंसिव ज़्यादा खेलती हैं, तो इस वजह से उनकी दोनों की तैयारी थी कि दोनों मैच में हो सकता है पेनल्टी शूटआउट हो, और वही हुआ। दोनों टीमों में जो उनके गोलकीपर जिन्होंने जितवाया है वो हीरो उभर के आए हैं। बिल्कुल, और एक तरह से कहें तो जो गोलकीपर हैं वो हीरो रहे दोनों मैचों में तो गलत नहीं होगा। पेनल्टी शूटआउट से हुए फैसले में अब स्पेन को हराकर रूस और डेनमार्क को हराकर क्रोएशिया क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। विजय जी, आज के मैचों की बात करें तो मेक्सिको के सामने ब्राजील की चुनौती है और नेमार पर खास तौर से निगाहें हैं। अब तक के प्रदर्शन को अगर देखें तो क्या ब्राजील की राह आसान है या मेक्सिको कड़ी चुनौती दे सकती है? मेक्सिको को बहुत कम क्रिटिक्स ने बैक किया है। ब्राजील ग्लैमरस टीम है, नेमार दुनिया के माने हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में नेमार ने इतना जोर नहीं दिया है, दिखाया अपना जोश नहीं दिखाया जितना उनसे उम्मीद की जा रही है। तो मुझे लगता है मेक्सिको का पलड़ा इसलिए भारी रहेगा कि वो अंडरडॉग हैं और काउंटर अटैक्स उनके बहुत ज़बरदस्त होते हैं। नेमार की डिफेंस, ब्राज़ील की डिफेंस इतनी खास नहीं है, तो ये मुकाबला नेमार से ज़्यादा मैं कहूँगा मेक्सिको के फेवर में ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल, और वहीं एशिया की जो उम्मीदें हैं वो जापान पर टिकी हैं। ग्रुप स्टेज में अपने सभी मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में पहुंची बेल्जियम का जापान के खिलाफ जाहिर तौर पर पड़ला भारी है और लुकाकू पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन जापान किस तरह की कोशिश करता नजर आएगा ताकि उलट फेर हो जाए? जापान की सबसे खासियत यह है कि वो थकते नहीं हैं,
पूरा फील्ड कवर करके खेलते हैं, लेकिन बेल्जियम की रैंकिंग बहुत ऊपर है, उनका उनका जो खेल है वो बहुत सजा हुआ है, वो किसी एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं करते हैं। जापान भी वही है, उनके पास भी कोई स्टार प्लेयर नहीं है, तो इसमें जिसका जिस टीम का टेम्परामेंट आज अच्छा रहेगा मुझे लगता है उसमें बेल्जियम का पलड़ा भारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका स्टूडियो में आने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो फीफा विश्व कप में अब तक मेक्सिको ने केवल दो बार ही क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया है, ब्राजील 13 बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, जापान फीफा में पहली बार क्वार्टर फाइनल का सफर तय करना चाहेगी और उसे बेल्जियम की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। और फुटबॉल विश्व कप के मैचों के बारे में आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं और फुटबॉल एक्सपर्ट से चर्चा के साथ आप हमारी स्पेशल कवरेज देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप रोज शाम 7 बजे। वहीं दूसरे खेलों की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पेनल्टी शूटआउट में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराया। मैच का पहला गोल ऑस्ट्रेलिया के लिए गोवर्स ने 24वें मिनट में किया था, जबकि भारत के विवेक सागर ने 42वें मिनट में गोल करते हुए स्कोर बराबर कर दिया था। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। इससे पहले साल 2016 में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा किया था। आज से लंदन में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन का आगाज होने जा रहा है। पुरुष एकल खिताब पर इस बार भी रॉजर फेडरर की नजर होगी। पुरुष एकल में फेडरर के समेत नोवाक जोकोविच, एंडी मरे और राफेल नडाल समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों पर सबकी नजरें होंगी। वहीं महिला एकल में स्पेन की गार्बियन मुगुरुजा अपने खिताब को बचाने के लिए जद्दोजहद करेंगी। टूर्नामेंट में सिमोना हालेप, सेरेना विलियम्स, स्लोन स्टीफेंस, मारिया शरापोवा, कैरोलिना वोज़ियांकी, कैरोलिना प्लिस्कोवा और पेट्रा क्विटोवा भी खिताब की दौड़ में हैं। अगर भारत की बात की जाए तो रोहन बोपन्ना से काफ़ी उम्मीदें हैं। पुरुष एकल में यूंकी भामरी भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। और अब बात करते हैं मौसम की, और आइए एक नजर डालते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। और अब आखिर में हेडलाइंस। जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं पर एक ही दर से कर लगाने को प्रधानमंत्री ने किया खारिज। कहा दूध और मर्सिडीज पर नहीं लग सकता समान टैक्स। जून में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 95,610 करोड़ रुपए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संरक्षणवादी शक्तियों को लेकर किया आगाह। सामूहिक विकास के वैश्विक प्रयासों पर पड़ सकता है प्रतिकूल प्रभाव। भारतीय मिशनों के प्रमुखों को बदलती विश्व व्यवस्था में राष्ट्रहित के बचाव की सलाह। लोकसभा में अब सदस्य एक दिन में अधिकतम पूछ सकेंगे 5 सवाल। लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद हर दिन 10 प्रश्न के नियम में किया गया बदलाव। आगामी मानसून सत्र से लागू होगा नया नियम। अफगानिस्तान के जलालाबाद हमले में सिख नेता समेत 20 लोगों की मौत। आतंकी संगठन आईएस ने ली जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कड़ी निंदा। कहा दुख की घड़ी में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है भारत। और
फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में मेजबान रूस ने स्पेन को दी मात, पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। क्रोएशिया ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में दी शिकस्त। क्वार्टर फाइनल में रूस से होगा मुकाबला। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं सारा जहां। नमस्कार।